अपन तो कुछ ज्यादा ही फील ले गया ब्रो, वो भी जिम ग्लव्स के साथ। पर बात ही कुछ ऐसी है, फाइनली WTC फाइनल आ चुका है ब्रो। और जैसे कि विराट भाई ने कसम खा रखी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी तो हम ही लेके जाएंगे, वैसे ही वसीम जाफर ने कसम खा रखी है इन भाई साहब को ट्विटर से लात मार के भगाएंगे। अब यार माइकल वॉगन ने एक ट्वीट किया था, न्यूजीलैंड एक हाई क्लास टीम है, वो काफी अच्छे से सिचुएशन रीड करती है बैट के साथ, स्किलफुल है बॉल के साथ और कैच तो ओहो माशाल्लाह करती है और इंडिया टीम को हराने के लिए फेवरेट है। जिसका वसीम जाफर ने एकदम रिस्पेक्टफुली आंसर दिया, तेरा काम हो गया तू जा। एक तो मैच पता नहीं इंग्लैंड में क्यों रख लेते हैं यार, वहां पर पिच पर बॉल से ज्यादा बूंदे गिरती है बारिश की। वहां की रिसेंट पिक्चर्स देख के ऐसा लग रहा है भाई श्रद्धा कपूर का छम 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 डांस देखना ही बचा है बस। नहीं वहां का वेदर देख के ये लग रहा है कि शास्त्री जी अगर नीट लेके भी बैठेंगे ना तो भाई पानी बरस के अपने आप पैक बन जाएगा उनका। और तो और टॉस भी ऐसे ही होगा लग रहा है। अरे विलियमसन भाई आ जाओ टॉस करते हैं, बोलो हेड या टेल। अरे विलियमसन भाई। अब अक्षर पटेल भाई जैसे इस वीडियो में अपना चश्मा पहनना भूल गए, वैसे टीम मैनेजमेंट इनको टीम में लेना भूल गई। अब तुमको तो पता ही यार अपने केएल राहुल भाई बचपन से ही वॉरियर है, उनको जैसे ही प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। भाई शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार। हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सोशल मीडिया पर, उसका आंसर दे रहे हैं। राहुल भाई आपको टीम में जगह क्यों नहीं मिलती? अरे भाई हम कुछ नहीं करते फिर भी हमारी वाट लगती है। अब कॉफी विद करण में सारे कांड, हार्दिक गया और फंस हम गए। IPL में भी गांड का जोर लगा देते हैं फिर भी टीम क्वालिफाई नहीं करती, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अब एक ने क्वेश्चन पूछा है, ब्रो सुनील शेट्टी को पापा बोलते हो या अन्ना? अबे साले। अब ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। एक तो भाई न्यूज 18 के हेडलाइन में रोहित शर्मा टू ओपन की जगह रॉबिन शर्मा टू ओपन लिखा हुआ था। यार शास्त्री जी कितने मल्टी टैलेंटेड है ना, एक कोच के साथ साथ रिपोर्टिंग में हेडलाइन भी लिख लेते हैं। वैसे हमारे सूत्रों से पता चला है कि वॉशिंगटन सुंदर काफी ज्यादा उदास लग रहे हैं, चलिए चलते हैं उनके घर पर। कैमरामैन आशीष नेहरा इंग्लैंड में जगह जगह पानी बहरा के साथ उनके घर। अबे काहे का दुखी, हम खुद ही नाम हटा लिए थे अपना प्लेइंग 11 से। अब 96 रन बनाते हैं तब भी पिताजी हमारी कमर तोड़ देते हैं कि 4 रन कहाँ रह गए बाकी के। और लास्ट टाइम तो ईशांत और बुमराह भी पिटा गए थे हमारे चक्कर। वो सच बताऊं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ऋषभ पंत, पूरे टाइम स्टंप्स के पीछे से बकचोदी करता रहता है, नाम है वॉशिंगटन जाना है DC, नाम है वॉशिंगटन जाना है DC। अब तुम लोगों को फनी लगता होगा यार कि टीवी में एक बार सुनाई देता है पर हमको तो 6 की 6 बॉल सुनाई देता है, हमारी गांड फट जाती है। हम इंग्लैंड घूम लिए भाई, हम संतुष्ट है। और रही बात सुंदर, 6 मैच में 6 सेंचुरी मारा, वहाँ शर्मा जी का लड़का 200-200 रन बना दिया 3 बार। जाओ घर के लिए सब्जी लेके आओ, पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। अब आप लोग भी चलिए वरना आप भी पिट जाएंगे, हमारा नाम है वॉशिंगटन, जाइए आप लोग DC। और यार तुम लोगों को तो पता ही, अगर क्रिकेट का मजा डबल करना है तो माई 11 सर्कल से ज्यादा बेटर प्लेस नहीं है भाई। और अभी हम लोग माई 11 सर्कल की टीम डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम लोगों ने अगर माई 11 सर्कल का ऐप डाउनलोड करके नहीं रखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ और डाउनलोड मार लो। तो यार यहाँ पे मैंने विकेट कीपर में लिया टॉम लाथम को, ऋषभ पंत भी काफी अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे रन बनाए बाहर जाके, पर इंडिया का टॉप ऑर्डर काफी स्ट्रांग है तो भाई मैं यहाँ पे टॉम लाथम को ले लेता हूँ, वो भी काफी अच्छे फॉर्म में रहते। बैट्समैन में मैंने लिया विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, केन विलियमसन और रॉस टेलर को। ये 5 बैट्समैन मेरे को लगते हैं जो कि भाई सबसे टॉप बेस्ट है। ऑलराउंडर में मैंने लिया रविंद्र जडेजा को, सर जड्डू को नहीं लिया तो किसको लिया। बॉलिंग में मैंने लिया बुमराह को, ट्रेंट बोल्ट और साउदी, क्योंकि यार ट्रेंट बोल्ट और साउदी का जो कॉम्बिनेशन है भाई इंग्लैंड में बहुत ही जबरदस्त है। और अगर यहाँ पे मोहम्मद शामी को लेना है तो कॉनवे को ड्रॉप करना पड़ेगा, पर कॉनवे ने जो परफॉर्मेंस दिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट तो उसको ड्रॉप करना खतरे से खाली नहीं है भाई, तो मैं कॉनवे को ले रहा हूँ। बाकी अपन लोग टॉस के बाद एक बार और फाइनल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कैप्टन बनाया केन विलियमसन को और वाइस कैप्टन बनाया विराट कोहली को। और यहाँ पे वाइस कैप्टन वैसे हम लोग जड्डू भाई को भी बना सकते हैं क्योंकि जड्डू भाई ऑलराउंडर परफॉर्मिंग करते हैं, बट यार थोड़ा सा स्पिन पिच देख के लग नहीं रही है अभी, तो वाइस कैप्टन अभी विराट कोहली को ही रख। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना, बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, भाई को मत भूल जाना यार। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.